हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में कर्जदार किसानों की मुसीबत रुकने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को दौसा के किसान की जमीन की नीलामी हुई थी, आज अलवर के 11 किसानों की जमीन नीलाम होने वाली थी, लेकिन अब रुक गई है। दौसा की घटना के बाद राज्य सरकार ने इस नीलामी को रोक दी है। ग्रामीण क्षेत्र के SDM ने कुर्की के इश्तेहार जारी किए थे। ये किसान बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के डिफॉल्टर्स हैं। SDM का कहना है कि बैंकों से कुर्की की फाइल पर नीलामी होती है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन इस रूटीन प्रक्रिया के तहत कितने किसानों की नींद उड़ गई, कितने किसानों के सामने कितनी बड़ी चुनौती और परेशानी सामने आ गई, ये इश्तेहार की जो कॉपी है उसके जरिए ही हम आपको बता रहे हैं। आप इसको जरा ध्यान से देखिए, कुर्की इश्तेहार जिसको चिपका दिया गया था अलवर जिले में, और एक दो नहीं बल्कि बकायदा 11 ऐसे किसान हैं जिनका नाम इस लिस्ट में था। हालांकि दौसा में जो घटना हुई थी, यानी वहां किसान के खेत की नीलामी हो गई थी, उसे फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। राकेश टिकैत जब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की कि वहां किसान की जो खेत की नीलामी हुई थी, जमीन की नीलामी हुई थी, उसे कैंसिल कर दिया गया है। और इस बीच जो हम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं कि जो अलवर जिले में इश्तेहार की लिस्ट थी, उसे भी फिलहाल रद्द माना जा रहा है। दौसा और अलवर, ये राजस्थान के दो जिले किसानों की मौजूदगी और दोनों ही जगह किसानों की सबसे बड़ी परेशानी कर्ज को लेकर। भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, इस बीच राहत की खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अलवर में जो ये लिस्ट थी, ये जो फहरिस्त थी, उसे कैंसिल माना जाए, उसे रद्द माना जाए। देखिए, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिए, नहीं जा सकता है कि आगे नहीं होगी, लेकिन आज जो नीलामी होनी थी 10 बजे होनी लगनी थी, तो वो फिलहाल रोक दी है अलवर की घटना के बाद में। और अब फौरी तौर पर किसानों की अभी राहत मानी जा सकती है कि आज जो किसानों की जमीन, 11 किसानों की जमीन नीलाम होने जा रही थी कर्ज नहीं चुकाने पर, फिलहाल उस प्रक्रिया को रोका गया। अब ये आगे देखना होगा कि सरकार क्या पूरी तरीके से इसको कैंसिल करती है और कर्ज चुकाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढती है या माफ करती है, ये आगे देखना होगा। लेकिन अगर ये तरीका सरकार अपनाती है तो राजस्थान के अंदर कई जगह पर किसानों को ये नोटिस दे रखे हैं नीलामी के, तो ये सरकार का, अशोक गहलोत सरकार को डिसाइड करना होगा कि वो आखिर फैसला क्या लेती है। जी भवानी, आप इसके पहले भी इस प्रोसेस को बता चुके थे कि ऐसा नहीं है कि अगर इश्तेहार छप रहा है तो सरकार को मालूम ही नहीं, अगर SDM लेकर ये लिस्ट आ रहे हैं तो सबको मालूम है। लेकिन अब राकेश टिकैत, किडोरी लाल मीणा, ये तमाम जो चेहरे हैं जो किसानों के मुद्दे पे हमेशा वो बोलते रहते हैं, वो सब अब सरकार से मिलने भी वाले हैं, गहलोत सरकार से सवाल भी पूछने वाले हैं, तो आने वाले दिनों के लिए भी सरकार को तैयार रहना होगा कि अगर आपने किसानों को सताया तो आपको जवाब देना होगा। देखिए, सरकार को आने वाले दिनों नहीं, आज से ही तैयार रहना होगा, क्योंकि ये जो फैसला किया है अलवर में रद्द करने वाला, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अशोक गहलोत सरकार को सूचना मिल चुकी थी कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा, और उनको ये आशंका थी कि आज राकेश टिकैत भी यहाँ आए और जगह जगह आंदोलन हो सकता है, और वहाँ अलवर के अंदर भी जहाँ नीलामी हो रही थी वहाँ पर पहुँच सकते हैं और वहाँ पर भी ये नौबत आ सकती है। तो इस प्रेशर के चलते, इस दबाव के चलते सरकार ने ये नीलामी प्रक्रिया स्थगित की, और नीलामी की प्रक्रिया सरकार के द्वारा ही होती है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि बैंकें कर रही है, क्योंकि SDM सरकार का नुमाइंदा होता है और कलेक्टर की इजाजत होती है और उसके बाद में नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि ये सरकार का काम होता है नीलामी करवाना। तो जाहिर तौर पर सरकार इस आरोपों से घिरी हुई है कि जहाँ कर्ज माफी की बात करिए, दूसरी तरफ नीलाम क्यों की जा रही है, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं होता कर्ज चुकाने का, और अगर माफ नहीं कर सकती तो दूसरा रास्ता निकालना चाहिए, सीधे सीधे किसानों की जमीन और बहुत कौड़ियों के भाव पर। दौसा की आप घटना देखिए कि 44 लाख में जमीन नीलाम कर दी गई, जबकि उस जमीन की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है, और वो भी मात्र 7 लाख के कर्ज के लिए। तो ये बड़ी बात है कि किसानों की कौड़ियों के दाम पर इस तरीके से जमीनें नीलाम होना, जाहिर तौर पर चलिए भवानी इस खबर पे नजर बनाए रखिए, क्योंकि सबकी निगाहें हैं किसानों का मामला है। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को किसान के उस बेटे की बातें भी सुनवाते हैं जिसके जमीन की नीलामी हो रही थी। जमीन नीलामी होने से पहले क्या कहा, क्या तकलीफ थी, सुनिए पहले आप। हमारे पिताजी ने बैंक से कर्जा लिया था, तो कर्जा चुकाने में असमर्थ है, हम कहाँ पर जाएंगे, हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और इस बीच कांग्रेस पार्टी ने क्या आरोप लगाया है वो भी सुनिए आप। जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया था उनका सेटलमेंट कराने हेतु हमने केंद्र सरकार का सहयोग मांगा, किंतु केंद्र सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण दौसा जैसी घटना सामने आई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने
सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से निवेदन किया है, उनको लिखा है कि SBI बैंक की तर्ज पर एक सेटलमेंट किया जाए, जो राशि किसानों की तरफ बकाया निकलेगी उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी।